गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क के अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम के बारे में। और कल मैंने कहा था 1 to 10 सॉल्व करेंगे, उसमें आपने 10 क्वेश्चन नंबर 10 प्रॉब्लम रखा है, उसको आइए देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, ए कैन डू 2/3 ऑफ द सर्टेन वर्क इन 16 डेज, बी कैन डू 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 3 डेज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन फिनिश दी वर्क वर्किंग टुगेदर। जब वह ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। यहां कहा जा रहा है पहले सेंटेंस में, ए कैन डू 2/3 ऑफ द वर्क इन 16 डेज, तो वन वर्क इज फिनिश्ड बाय ए इक्वल टू 16 × 2, 16 डिवाइडेड 2/3, यानी क्या आ गया 16 × 3/2, यानी कि 24 डेज। ए कंप्लीटेड ए वर्क इन 24 डेज। सिमिलरली दिया हुआ है कि 1/4 वर्क फिनिश्ड बाय बी इन 3 डेज, तो वन वर्क इज फिनिश्ड बाय बी इन 3 / 1/4, यानी कि 12 डेज। जब हमको ए के द्वारा कंप्लीट किए गए काम का नंबर ऑफ डेज मालूम हो गया, बी का मालूम हो गया, तो हम निकाल सकते हैं कि वन डे वर्क ऑफ ए इक्वल टू 1/24 और वन डे वर्क ऑफ बी इक्वल टू 1/12, तो वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1/24 + 1/12। अगर इसको एडिट करें तो हमें क्या आएगा, 3/24 कैंसिल होकर आ गया 1/8, तो 1/8 पार्ट ऑफ वर्क डन इन वन डे व्हेन ए एंड बी वर्क टुगेदर, तो वन वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए प्लस बी इन 8 डेज व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर। आइए क्वेश्चन नंबर 10, इफ 2/3 वर्क फिनिश्ड बाय ए इन 16 डेज, देयरफॉर वन वर्क फिनिश्ड by A equal to 16 / 2/3 is equal to 16 × 3/2 days equal to 24 days. Similarly, if 1/4 वर्क फिनिश बाय बी इन 3 डेज, देयरफॉर वन वर्क फिनिश बाय बी इन 3/1/4 days
2.2, 3 into 4 days, 2.2, 12 days. तो B किसी काम को 12 डे में करता है, A किसी काम को 24 डे में करता है. If one day work of A equal to 1 by 24 part. Similarly, one day work of B equal to 1 by 12 part. Therefore, one day work of A plus B equal to 1 by 24 plus 1 by 12 equal to 1 plus 2 by 24 LCM आया, 3 by 24 equal to 1 by 8. 1 by 8 part of work produced by A and B in one day. If 1 by 8 part of work finished by A plus B in one day. Therefore, one work finished by A plus B in 1 divided 1 by 8 days equal to kya hai? 8 days. So A or B करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे? 10 दिनों में करेंगे, सॉरी 8 दिनों में. तो नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ए एंड बी डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज. ए और बी मिलकर के एक काम को करते हैं कितने दिनों में? 18 डेज में. ठीक है, तो बी एंड सी कैन डू दी वर्क सेम वर्क इन 24 डेज. सी एंड ए फिनिश इन 36 डेज. इन हाउ मेनी डेज ए बी सी फिनिश इट इफ दे आर ऑल वर्क टूगेदर? वर्क टूगेदर कैसे निकालेंगे, वर्क अलोन कैसे निकालेंगे? दोनों ही क्वेश्चन इसी में हम बातें करें. अगर आपसे पूछा जाए वर्क अलोन तो कैसे निकालेंगे और वर्क टुगेदर निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, आइए देखें. क्वेश्चन नंबर 12, इफ वाई भी क्वेश्चन, क्वेश्चन से अगर बात की जाए, if one day work of A plus B equal to 1 by 18 per. One day work of B plus C equal to 1 by 24 part. One day work of C plus A
इक्वल टू 1/36 पार्ट इसको अगर फर्स्ट में ले इसको सेकंड में ले इसको थर्ड में ले तो आप कह सकते हैं कि एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यू गेट वन डे वर्क ऑफ क्या देखिए ए टू टर्म्स है बी भी टू टर्म्स है सी भी टू टर्म्स है तो टू कॉमन ले लिए तो टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36 एनी कंफ्यूजन तो एयरपोर्ट वन डे वर्क ऑफ 2 into A plus B plus C ऊपर टू उसका एलसीएम क्या आया 72 18 फोर जा 24 थ्री जा और 36 टू जा क्या आया 9/72 इक्वल टू 1/8 9/72 इक्वल टू एयरपोर्ट वन डे वर्क क्या आ गया 1/8 एयरपोर्ट वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/8 into 2 ये जो 2 है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ क्या आ गया 1/16 अगर तीनों मिलकर के काम करना है 1/16 पार्ट वर्क तीनों मिलकर के करता है एक दिन में तो तीनों मिलकर के एक काम को कंप्लीट कितने दिनों में करेगा 16 डेज तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन 12 में कि इफ 1/16 पार्ट ऑफ वर्क फिनिश्ड बाय ए प्लस बी प्लस सी इन वन डे Therefore, one work finished by A plus B plus C, and they are worked together in 1/16 days equal to 16 days. तो ये तीनों मिल करके एक काम को करेंगे कितने दिनों में 16 डेज अब अगर मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछ दिया जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा कि हाउ मच टाइम विल बी ए अलोन टेक टू फिनिश दी जॉब या फिनिश दी वर्क एक को अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे तो आपने देखा था कि जब ए और बी को मैंने लिया था दो को लिया था तो उसमें से एक के एक दिन का काम दोनों के एक दिन के काम में से एक के एक दिन का काम माइनस किया था तो दूसरे के एक दिन का काम निकल गया था
ठीक इसी तरह से यहां भी होगा। अब यहां से दूसरी बातें स्टार्ट होती है, उसमें हम कह सकते हैं कि जैसे ए का निकालना है तो बी प्लस सी को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, हटाना है। बी और सी को हटाने के लिए हमने क्या लिखा, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फोर, गेट क्या पाए, वन डे वर्क है ए प्लस बी प्लस सी का फोर्थ वे, देयरफॉर वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का कितना आया था, तो 1/16 माइनस क्या आ गया 1/18। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आया 144, 9 - 8 इक्वल टू 1/144। यह क्या आया, वन डे वर्क ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, बी और सी कैंसिल हो गया, क्या बचा, देयरफॉर वन डे वर्क ऑफ ए इक्वल टू 1/144। देयरफॉर ए वर्क वन वर्क फिनिश्ड बाय ए इन 144 डेज आया। अगर इसी तरह से अगर बी का निकाला रहता तो सी और ए को एलिमिनेट करना रहता, इक्वेशन फोर्थ में से थर्ड को हम क्या करते, सब्सट्रैक्ट करते। जैसे इसको भी देख लीजिए, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, गेट क्या पाए, वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए इक्वल टू, अब दोनों का डिफरेंस निकालिए 1/16 माइनस 1/36 क्या आया, 144 क्या आ गया, 9 - 4 तो वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए, देयरफॉर वन डे वर्क ऑफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/144।
does one work finished by B in 144 by 5 days. 5 से divide किये, क्या आ गया? 28 और 4 by 5 days. इस तरह से निकालते हैं. अगर मान लीजिए C का निकाल रहा था, तो first equation को minus करते हैं. Fill up in 10 hours.
तो इफ द क्रिस्टल इज फुल तो हाउ मेनी टाइम टू टाइम विल इट बी एम्प्टी द टैंक, या इसको पूरी तरह से खाली करने में कितना समय लगेगा। तो वर्क डन बाय आप कह सकते हैं कि वर्क डन बाय ही इन वन आवर उसने खाली कितना किया 1/10 पार्ट। तो उसके द्वारा जो लीक के द्वारा 1 आवर में वर्क हुआ वो 1/9 1/10 कितना आएगा 1/9 1/10। अगर इसका एलसीएम ले ले क्या आ जाएगा 90 10 9 लीक जो है वो 1/90 पार्ट वर्क डन करता है 1 आवर। क्यों? क्योंकि वह जितना भरता है 1/9 पार्ट भरा और उसका 1/10 पार्ट उसने क्या किया खाली किया। तो अगर 1/9 का 1/10 खाली किया तो उसने कितना खाली किया 1/19 पार्ट उसने खाली किया। तो अब हमको निकालना क्या है यहां पर कि हाउ मच टाइम विल बी एम्प्टी द टैंक। देयरफॉर या कहिए कि इफ 1/90 पार्ट समय में डिस्कस कर देंगे। ओके, थैंक यू।